नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, यूको बैंक में अगर आपको आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही, जी हाँ, अपने मोबाइल पर जो आपकी एंड्रॉयड ऐप है मोबाइल बैंकिंग के लिए, यूको बैंक ने जो आपको प्रोवाइड करवाई हुई है उसी के जरिए आप जो है अपने घर बैठे ही आरडी ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक भी बार बैंक ब्रांच को विजिट नहीं करना है और ये बिल्कुल आसान और सिंपल सी प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए अपने घर बैठे रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो जरा सी भी अगर आपको काम की लगे तो इसको लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि काम की और अच्छी चीज जितनी स्प्रेड की जाए उतनी बेटर होती है, क्योंकि आपके साथ साथ किसी आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या किसी फ्रेंड को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी वीडियोस बना लूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन से क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बटन के जस्ट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाएगा, आप उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी काम की वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यूको बैंक की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप को। ये देखिए, यूको एम बैंकिंग प्लस, उसके बाद आप डालेंगे 4 डिजिट का एम पिन और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह की होम स्क्रीन आपके सामने आएगी। अब ऑनलाइन आरडी करने के लिए आपको क्लिक करना है क्विक सर्विसेज पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, अतः आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ओपन रिकरिंग डिपॉजिट और ब्रैकेट में लिखा हुआ आरडी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस अकाउंट से आप जो है अपना जो आपकी ईएमआई या जो अमाउंट आपका कटेगा वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में जो है ये ऑटोमेटिक एक अकाउंट ही आपको शो होगा, यानी जिस अकाउंट पर आपकी ऐप है। उसके बाद यहाँ से आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट आप सेव करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप डालेंगे, यानी जितने आपको अमाउंट हर महीने आरडी में डालना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जितने दिन के लिए आरडी करनी है वो आप मंथ्स में या पीरियड डाल के प्रोसीड कर देंगे। ये देखिए, आप यहाँ से अगेन कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पता लग जाए कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह मैच्योरिटी अमाउंट है। उसके बाद आप कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यूको बैंक की तरफ से आपको एक ओटीपी आएगा। सबसे पहले डालना है आपको ओटीपी, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप डालेंगे टी पिन, यानी जो आपका ट्रांजेक्शन पिन है। उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपकी ट्रांजेक्शन पेंडिंग, थोड़ा सा आपको 1-2 सेकंड वेट करना है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब जो है आपकी ऑनलाइन आरडी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो आप अकाउंट आपने आरडी का ओपन किया है वो आपको कहाँ शो होगा। आपको वो शो होगा, ये देखिए यहाँ पे अकाउंट व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो टर्म डिपॉजिट के नीचे ये देखिए आपको जो है आपका आरडी का अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अकाउंट डिटेल पे क्लिक करके अपने आरडी के अकाउंट की सारी डिटेल भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट है, कब तक मैच्योर हो जाएगी, कितना पैसा जो जा चुका है, कितना बका है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और कई बार दोस्तों ये जो आपके आरडी अकाउंट की डिटेल है जो आपने ऑनलाइन की हुई है तुरंत आपको शो नहीं होती है, आपको 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। तो कई बार अगर तुरंत शो ना हो तो घबराइए मत, आप 2-3 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए, आपको जो है शो हो जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने यूको बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उससे जो है लॉग आउट कर सकते हैं। और जो ये पैसा है जो आपका, यानी अगर आपने जिस भी तारीख को आरडी करवाई है उसी तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा हर महीने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए।
लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपके काम आई या नहीं आई। और साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो के नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इतनी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।